हाँ जी बेटा, बेटा हम पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम, है ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम में बेटा लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज मॉडिफिकेशन, है ना। इससे पहले का पार्ट बेटा हमने सारा पढ़ लिया, ठीक है ना। तो लास्ट है बेटा मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मीन व्हाट? दीज आर, चलो स्टेम है जो बेटा, सुना ध्यान से, स्टेम गेट्स मॉडिफाई, स्टेम गेट मॉडिफाई इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। यस, इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। यस, इन ऑर्डर टू परफॉर्म बेटा डिफरेंट फंक्शंस। समझ नहीं आ रही? स्टेम में क्या आ जाती है बेटा? चेंजेस आ जाती है, मॉडिफाई हो जाती है स्टेम, है ना। तो चेंजेस है जो बेटा, सुनना ध्यान से, चेंजेस कहाँ हो रही है? चेंजेस अकर्स इन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी चेंज होती है बेटा, बट सुनना ध्यान से, वही है फिर, चेंज हो गई ना, स्टेम चेंज हो गई। क्या चेंज हुई? मॉर्फोलॉजी। क्या चेंज हुई है? मॉर्फोलॉजी। बट बेसिक डिजाइन है जो, यस, बेसिक डिजाइन विल रिमेन द सेम। बेसिक डिजाइन विल रिमेन सेम, डिजाइन नहीं चेंज होगा। मतलब एनाटॉमी है जो, यस, मतलब एनाटॉमी सेम रहेगी, एनाटॉमी विल रिमेन द सेम। समझा नहीं आ रही? मैंने रूट में भी बताया बेटा, हमने मॉडिफिकेशन पढ़ी थी रूट में, है ना। तो बेसिक डिजाइन तो चेंज ही नहीं होता, मतलब एनाटॉमी तो चेंज ही होगी, तो चेंजेस किस में आई? मॉर्फोलॉजी में। समझा नहीं आ रही? स्टेम गेट मॉडिफाई इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। चेंजेस बेसिकली, चेंजेस कहाँ आती है? चेंजेस मॉर्फोलॉजी में आ रही, पर जो बेसिक डिजाइन है वो नहीं चेंज होता, वो स्टेम ही रहेगी, एनाटॉमी विल रिमेन द सेम। समझा रही बेटा? नहीं आ रही? इजी हो गया? तो देखते हैं वन बाय वन, है ना। चलो याद रखना पहले तो ये, बेसिक डिजाइन नहीं चेंज होगा। समझा रही है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है पहले जी, बच्चों को पता ही नहीं होता। सबसे पहले है बेटा स्टेम टेंडर, स्टेम टेंडरल्स। सुनना ध्यान से, टेंडरल क्या होते हैं? सुनना ध्यान से, टेंडरल क्या होते हैं? टेंडरल्स आर थ्रेड लाइक, सुनना ध्यान से, थ्रेड लाइक सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक सेंसिटिव स्ट्रक्चर है बेटा, यस, विच कैन कॉइल अराउंड द सपोर्ट, विच कैन कॉइल अराउंड द सपोर्ट, अराउंड द सपोर्ट एंड हेल्प्स इन, एंड हेल्प्स इन व्हाट? इन क्लाइंबिंग। क्लिंकिंग स्ट्रक्चर है टेंडरल, क्या है बेटा? एक क्लिंकिंग स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक होता है, सेंसिटिव, एंड कॉइल अराउंड द सपोर्ट एंड हेल्प्स अप प्लांट इन क्लाइंबिंग। समझा रही नहीं? जैसे आप सुन रहे हैं एग्जांपल्स याद रखना। टेंडरल मे बी, चलो ध्यान से सुनना, एक्सिलरी, यस, मे बी एक्सिलरी, एक्सिलरी टेंडरल होता है कहां पे? पैसिव फ्लोरा में, यस, एक्सिलरी टेंडरल का होता है बेटा पैसिव फ्लोरा में होता है, सुनना ध्यान से। पैसिव फ्लोरा में क्या होता है? देखो बनाए स्टेम होगी बेटा, नोड होगी, नोड पे क्या लगा? लीफ, बना लो, देखो देखो ध्यान से, दिस इज स्टेम। क्यों स्टेम है बेटा? एक्सिलरी मैंने बताया था कि नहीं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको, एक्सिलरी स्ट्रक्चर इज ऑलवेज अ स्टेम, एक्सिलरी स्ट्रक्चर बेटा इट इज ऑलवेज अ स्टेम। मैंने बताया था यहाँ पे मैं हाथी भी बना लू तो उसको क्या बोलना? आपने स्टेम ही बोलना। समझा रही कि नहीं यारी? ये स्टेम है, किस में मॉडिफाई होगी? टेंडरल में। समझा रही है नहीं यारी? एक्सिलरी है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी, यस,
नाम है एक्स्ट्रा एक्सिलरी, मतलब ऑन द नोड आउटसाइड द लीफ बेस, याद आ रहा है, ऑन द नोड आउटसाइड द लीफ बेस एक्स्ट्रा एक्सिलरी होता है बेटा कुकर बेड्स में, कुकर बेड्स में ल्यूफा में होता है ना, बुलाते हैं यार यार तो नोड हो गई बेटा जी, हेयर वी हैव लीफ संदारे के लिए यार पता लग रहा है नोड हो गई, ये यहां से बन रहा है एक्स्ट्रा एक्सिलरी पोजीशन से, यहां तो बड़ होगी समझदारी है, है तो नोड पे ही बट आउटसाइड दी लीफ बेस एक्स्ट्रा एक्सिलरी टेंडर है, यहां से बना दिख रहा ना, समझा दिया कि नहीं यानी इजी होगा, एक्स्ट्रा एक्सिलरी है ये। नेक्स्ट है बेटा लीफ अपोज्ड, नेक्स्ट कौन सा है लीफ अपोज्ड है, लीफ अपोज्ड मतलब देखो अपोजिट टू लीफ, ये लीफ हो गया यहां से तो लगना नहीं चला रहा, ये होता है बेटा ग्रेप वाइन, होता है ग्रेप वाइन बेटा टेंपर है, थर्ड वाइक है क्लाइंबिंग में अंतर कहां का, किसमें पैसिव फ्लोरा में है, कुकर बिट्स में है, ग्रेप वाइन में है, स्टेम की मॉडिफिकेशन है। एक लास्ट है बेटा फोर्थ, फ्लोरल बग टेंडरल्स, फ्लोरल बट टेंड्रल, सुना ध्यान से फ्लोरल बट है जो बेटा वो टेंड्रल में मॉडिफाई हो जाती है, इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, समझा लिया, जैसे फ्लावर देखा है नहीं, फ्लावर आने से पहले वहां पे एक बड होती है, वो बड किस में कन्वर्ट होगी टेंड्रल में, ये होता है बेटा एंटीगोनॉन में, एंटीगोनॉन में होता है ए एन टी आई जी ओ एन ओ एन, फ्लोरल बट टेंड्रल कहां होता है बेटा एंटीगोनॉन में, सबसे पहले पता लग गया ना टेंडर है, समझा रही है नहीं यार, पता लग रहा है अच्छी तरह से पढ़ना, समझा रही है याद रखना, इससे ये नहीं है कई क्वेश्चन और भी सॉल्व हो, समझा रही है होमोलोगस एनालोगस के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लीफ पे कराऊंगा आपको ज्यादा, ठीक है ना, अभी लग रहा है पहले सुनना ध्यान से, आप देखो रब कर दो इसको, चलो क्वेश्चन भी कराऊंगा लास्ट में पढ़ ले पहले सारा ना, सबसे पहली मॉडिफिकेशन है टेंडर, ये जितने भी एग्जांपल पढ़ी है बेटा इनमें टेंडर है, टेंडर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम मॉडिफाई होकर क्या बनी है टेंडर बना है, समझा ली कि नहीं यार, मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट है बेटा थॉर्न, स्टेम थॉर्न, यस स्टेम थॉर्न, थॉर्न क्या होते हैं, थॉर्न आर कंडे है ना, थॉर्न आर स्टफ, बड़े स्टफ होते हैं, शार्प शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, स्टिफ शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर है बेटा, समझा लिया इतनी यारी, पता लग रहा है थॉर्न क्या है, स्टिफ शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, विच हैव लॉस्ट देयर ग्रोइंग पॉइंट, यस विच हैव लॉस्ट देयर ग्रोइंग पॉइंट, which have lost their growing point and become hard. समझा रही है नहीं यारी? Thorns बेटा, they not only reduce transpiration, but also protect the plants from grazing animals. समझा रही है नहीं यारी? Thorns बेटा protective भी हैं. They are protective भी हैं. Protect किससे करना है? Grazing animals से करना है. है ना, they also reduce transpiration, transpiration को भी reduce करते हैं बेटा, समझाने के लिए protective भी है, sometimes they may help in climbing, जैसे bougainvillea में, जैसे किसमें है bougainvillea के thorn थोड़े curved होते हैं, bougainvillea के thorn क्या होते हैं curved होते हैं, तो उसको climbing में भी help कर देते हैं, समझाने के लिए यारी सुनना ध्यान से, जैसे examples जैसे सिट्रस है, समझा रही है कि नहीं यारी, दुरांता
बॉगनविलिया, बॉगनविलिया पोमेग्रेनेट, बहुत एग्जांपल है, मैं एक तो ड्रॉ करता हूं। देखो सिट्रस में क्या होता है, देखो यहां से सुनना ध्यान से, एक्सिलरिया एक्सिलरी है, थॉर्न है, समझा नहीं आ रही, सुनना ध्यान से, तो होगा सिट्रस, सिट्रस होगा कि नहीं, सुनना ध्यान से। दुरांता में क्या होता है, ये देखो सुनना ध्यान से, पहले तो देखो ये स्ट्रक्चर क्या है, स्टेम, ये स्टेम क्यों है, एक्सल में एक्सिलरी स्ट्रक्चर इज ऑलवेज अ स्टेम। दुरांता में क्या होता है बेटा, देखो एक्सिलरी स्ट्रक्चर है इसके ऊपर, थॉर्न के ऊपर भी क्या लग जाते हैं, लीफ लगते हैं, है ना, ये बता रहा है भी है, शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर क्या है, स्टेम है। दुरांता के थॉर्न के ऊपर भी क्या लगे होते हैं, लीफ लगे होते हैं, समझा रहे कि नहीं आ रही, इट मींस लीफ कहां पे लगते हैं, स्टेम पे, इट मींस दिस स्ट्रक्चर इज स्टेम, समझा रही बेटा, नहीं आ रही, बॉगनविलिया तो आपको पता ही है, यस। बॉगनविलिया में क्या होता है, बॉगनविलिया के थॉर्न बेटा कर्व्ड होते हैं, बॉगनविलिया के बेटा जो थॉर्न है, थॉर्न क्या होते हैं, कर्व्ड है, क्या है, कर्व्ड है, एंड ऑल्सो हेल्प इन क्लाइंबिंग, जिसमें हेल्प करते हैं, ऑल्सो हेल्प इन क्लाइंबिंग, नारिया नहीं आ रही, ऐसी होगा थॉर्न। अब मैं आपको और बताता हूँ, सुनना ध्यान से बेटा, एक तो बेटा जी होती है थॉर्न, है ना, थॉर्न है, स्पाइन है, प्रिकल्स हैं, ब्रिसल्स हैं, ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर पॉइंटेड, समझा रही नहीं आ रही, ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर शार्प एंड पॉइंटेड, देन हाउ कैन वी डिफरेंशिएट, ये थॉर्न है, स्पाइन है, प्रिकल्स हैं, ब्रिसल्स हैं, है ना, तो कैसे पता चलेगा, सुनना ध्यान से, इनमें डिफरेंस क्या है, सुनना ध्यान से, है ना, नोट कर लेना थोड़ा, मैंने आपको नोट दिए उसमें सारा लिखा है ना, सुनना है बस ध्यान से। थॉर्न क्या है, थॉर्न क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये स्टेम मॉडिफिकेशन है। थॉर्न क्या होते हैं बेटा, स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है, थॉर्न हैविंग अ वास्कुलर सिलेंडर एंड कवर्ड बाय बार्क, हैविंग इसके अंदर क्या होता है, हैविंग वास्कुलर सिलेंडर, इसके अंदर जाइलम फ्लोएम होती है, एंड कवर्ड बाय बार्क, समझा नहीं आ रही, स्टेम की मॉडिफिकेशन है बेटा थॉर्न, इसके अंदर वैस्कुलर सिलेंडर होता है एंड कवर्ड बाय बार्क भी होती है, और है ना, सुनना ध्यान से, ये तो होगा थॉर्न। अब है स्पाइन, यस, स्पाइन क्या होता है, स्पाइन लीफ मॉडिफिकेशन है, इसकी मॉडिफिकेशन है, लीफ की मॉडिफिकेशन है बेटा, हैविंग अ वैस्कुलर सिलेंडर, वैस्कुलर सिलेंडर तो होता है इसके अंदर, हैविंग यस वास्कुलर सिलेंडर, बट बार्क एब्सेंट, क्या होती है, बार्क एब्सेंट, और या कहते हैं नॉट वेल डेवलप्ड, बार्क वेल डेवलप्ड नहीं होती, समझा रही नहीं आ रही, पता लगा, उसको बोलते हैं स्पाइन, लीफ की मॉडिफिकेशन है स्पाइन है, स्पाइन के अंदर जाइलम फ्लोएम तो होता है पर क्या नहीं होती, अराउंड बार्क नहीं होती या बहुत कम होती है, स्टेम थॉर्न क्या है, स्टेम की मॉडिफिकेशन है, समझा रही नहीं यार। एक होते हैं बेटा प्रिकल्स,
Prickles are general outgrowths. These are outgrowths of stem and leaves. Stem or leaves. Stem or leaf की superficial outgrowth है बेटा. Epidermal derivatives है. समझा रहे कि नहीं यारी? Prickles है. समझा रहे कि नहीं यारी? इनमें ना तो no vascular cylinder. इनमें ना तो vascular cylinder है. No bark. ना ही क्या है बेटा? Bark है. समझा रहे कि नहीं? ना तो बेटा इसके अंदर vascular cylinder है, xylem फ्लोएम है, ना ही इसमें bark है. Prickles है. एक होते हैं bristles. समझा ध्यान से. ब्रिसल्स है वैसे ही शार्प पॉइंटेड है. ब्रिसल्स क्या होता है? दे आर फॉर्म्ड बाय दी डेपोजिशन ऑफ सिलिका. समझा लिया कि नहीं यार? उसको बेटा ब्रिसल्स बोल देते हैं. तो ध्यान रखना सारे क्या है? शार्प स्टिफ पॉइंटेड स्ट्रक्चर है. तो थॉर्न स्पाइन इसमें फर्क क्या है? याद रहेगा बेटा? समझाने के लिए थॉर्न स्टेम मॉडिफिकेशन, स्पाइन लीफ मॉडिफिकेशन, प्रिकल्स आउट सुपरफिशियल आउटग्रोथ्स हैं. ब्रिसल्स क्या है? ब्रिसल्स क्या होते हैं? यस दे आर फॉर्म्ड बाय डेपोजिशन ऑफ सिलिका. पता लग रहा नहीं तो लग रहा बेटा? इसी को इसको पहले ध्यान रखना. थॉर्न की बात किया ना. चलो नेक्स्ट है बेटा जी फाइलोपोड. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज सुनना ध्यान से. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज फाइलोग्लैंड. सुनना ध्यान से. फाइलोग्लैंड क्या होते हैं? Green. These are flattened or sometimes cylindrical. Green stem. क्या है? Green stem है. With unlimited growth. With unlimited growth. फ्लैटर्ड और सिलेंड्रिकल ग्रीन स्टेम है विद अनलिमिटेड ग्रोथ व्हिच हैव टेकन द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. व्हिच हैव टेकन द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. टेकन द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. मॉडिफिकेशन है कि नहीं? फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. व्हिच हैव टेकन द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. पता लग रहा अपना नहीं तो लग रहा? फाइलोप्लैंड. ये हो गया. जैसे एग्जांपल ऑफ पंछिया देखा है कि नहीं? पंछिया कैक्टस. समझाने के लिए दो एग्जांपल की बात करते हैं. पंछिया एंड यूफोर्बिया रॉयलियाना. स्पीशीज बहुत है ना यूफोर्बिया की, तो याद कर ली. यूफोर्बिया रॉयलियाना. समझा दी गई यानी. और पंछिया में क्या आता है? यस पहले पंछिया की बात करते, डिटेल में तो पंछिया ही पढ़ना. और पंछिया की जो ग्रीन स्टेम है बेटा सुनना ध्यान से. हेयर ग्रीन स्टेम इज जॉइंटेड. देखा ना कैक्टस की तरह होता है. ग्रीन स्टेम इज जॉइंटेड एंड फ्लैशी. एंड फ्लैशी का मतलब इसमें स्टोर होता है. क्या स्टोर करता है? स्टोर वाटर एंड म्यूसिलेज. ग्रीन स्टेम जॉइंटेड है बेटा. पानी भी स्टोर करती है ये, म्यूसिलेज भी स्टोर करती है, फ्लैशी है. समझा रही है कि नहीं? स्टेम ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस कर रही है वो पंछी. समझा दिए? जॉइंटेड है. सुनना ध्यान से, बनाते हैं देखो यहाँ स्कूल से राउंड आकर. ग्रीन स्टेम है पर स्टेम जॉइंटेड है.
समझा रही है कि नहीं रही? लीव्स क्या कर रही है? फोटोसिंथेसिस, सॉरी स्टेम क्या कर रही है? ग्रीन है स्टेम, ग्रीन स्टेम क्या कर रही है? फोटोसिंथेसिस, सुनना ध्यान से, ये स्टेम ग्रीन है, जॉइंटेड है, फोटोसिंथेसिस कर रही है। सेगमेंट्स के ऊपर क्या होते हैं बेटा? रेज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। एवरी सेगमेंट बियर रेज्ड एरियाज, दोज रेज्ड एरियाज आर कॉल्ड एरियोले। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एरियोले बोलते हैं। समझा रही है कि नहीं आ रही? पता लग गया, एरियोल बोल देते हैं सिंगल। समझा रही है नहीं आ रही? इसके ऊपर क्या लिख देते हैं? एरियोल है जो इट रिप्रेजेंट अ नोड। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? एरियोल है बेटा जो रेज्ड स्ट्रक्चर है, जो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक नोड को रिप्रेजेंट करता है। नोड पे क्या लग जाते हैं? लीफ। नोड पे क्या लग गया? लीफ। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। लीफ मॉडिफाई होकर क्या बन गई? स्पाइन बन गई कि नहीं? स्पाइन किसकी मॉडिफिकेशन है? लीफ की। ये क्या हो गया? स्पाइन। समझा रही है नहीं आ रही? लीव्स स्पाइन में कन्वर्ट हो गए, तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन करे? स्टेम ग्रीन हो। स्टेम क्या होगी बेटा? ग्रीन होगी। समझा रही है नहीं आ रही? स्टेम, स्पाइन किसकी मॉडिफिकेशन है? लीफ मॉडिफिकेशन। समझा रही है नहीं आ रही? देखो एरियोल, एरियोल ड्रॉ करते हैं। एरियोल व्हाट इट रिप्रेजेंट? अ नोड। इसके ऊपर क्या लगा बेटा? स्पाइन लगा। दिस इज व्हाट? दिस इज स्पाइन। इसके ऑल राउंड क्या है बेटा? ब्रिसल्स। ऑल राउंड क्या है बेटा? ब्रिसल्स है, चारों तरफ ब्रिसल्स। इसके ऑल राउंड बेटा क्या है? यस, ऑल राउंड क्या है बेटा? ब्रिसल्स होते हैं। समझा रही है नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं पता लग रहा? सो दिस फाइलोप्लैड, ये क्या है? इट इज एन अडेप्टेशन, इट इज एन फॉर्मेशन ऑफ फाइलोप्लैड इज एन अडेप्टेशन। यस, इज एन अडेप्टेशन टू ड्राई हैबिटेट। याद रखना, जीविक एनवायरमेंट। पता है जीविक एनवायरमेंट? समझा रही है नहीं आ रही बेटा? फॉर्मेशन ऑफ फाइलोप्लैड इज एन जीरिक अडेप्टेशन। समझा रही है नहीं आ रही? इज एन अडेप्टेशन टू ऑफ प्लांट इन ड्राई हैबिटेट। समझा रही है नहीं आ रही? ओपेंशिया में फाइलोप्लैड क्या होता है? फ्लैटर्न्ड। ओपेंशिया में क्या है? फाइलोप्लैड फ्लैटर्न्ड होते हैं। यूफोर्बिया में सिलेंड्रिकल। यस, यूफोर्बिया में फाइलोप्लैड क्या होता है? इट इज सिलेंड्रिकल। फाइलोप्लैड क्या होता है बेटा? सिलेंड्रिकल होता है। समझाई बेटा? नहीं आई? इजी होगा ना, पता लग रहा है। सो दिस इज द फाइलोप्लैड। स्टेम की मॉडिफिकेशन है। स्टेम मॉडिफाई होकर क्या बन गया? समझा रहे? स्टेम मॉडिफाई होकर क्या बन गया? क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस का, ग्रीन हो गया। समझा रही कि नहीं आ रही? एनाटॉमी नहीं चेंज हो, बेसिक डिजाइन है जो स्टेम का, दैट विल रिमेन द सेम। चेंज कहां आई है बेटा? मॉर्फोलॉजी में, साइज शेप स्ट्रक्चर चेंज होता है ना, एनाटॉमी विल रिमेन द सेम। फाइलोप्लैड सुनना बेटा। नेक्स्ट वी हैव क्लैडोल। नेक्स्ट वी हैव क्लैडोल। सुनना ध्यान से। क्लैडोल क्या होते हैं? वैसे ग्रीन स्टेम, सुनना ध्यान से, बहुत इजी है। ग्रीन स्टेम विद लिमिटेड ग्रोथ। सिमिलर विच हैव टेकन द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, विच हैव टेकन द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लैडोल
लिमिटेड है, मतलब यूजली वन इंटर नोड लॉन्ग होते हैं। एग्जाम्पल जैसे दो एग्जाम्पल याद रखनी है बेटा, एक तो रस्कस, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी है, रस्कस एंड एस्पेरेगस सेम वही। अगर स्टेम ग्रीन है, अगर बेटा स्टेम क्या है ग्रीन, हेयर स्टेम क्या होगी बेटा ग्रीन होगी। अगर स्टेम ग्रीन है तो लीव्स, इट मींस लीव्स किस में मॉडिफाई हुए, या तो स्पाइन बन गए या क्या बन गए स्केल लीव्स। दिस इज ऑल्सो एन अडेप्टेशन टू जीनिक एनवायरमेंट। फॉर्मेशन ऑफ क्लैडोन इज ऑल्सो एन अडेप्टेशन टू जीनिक एनवायरमेंट। लीव रिड्यूस होके स्केल में कन्वर्ट हो गए, लीव रिड्यूस होके स्पाइन बन गया, समझा रही। तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन करे, स्टेम ग्रीन में कर दी, समझा रही है। नहीं अभी बड़ा इजी है, चलो एक रस्कस बना देते हैं एग्जांपल। हम बेटा रस्कस की बात कर ले, सुनना ध्यान से देखो, रस्कस में क्या हो रहा है। यस ये नोड है, नोड के ऊपर लीफ, लीफ रिड्यूस होकर क्या बन गई स्केल्स। स्केल लीफ मींस वेस्टिजियल लीफ, स्केल लीफ क्या है वेस्टिजियल लीफ है। स्केल लीफ क्या है बेटा वेस्टिजियल लीफ है, सुनना ध्यान से। एक्सल से क्या बन रहा है, एक्सल में क्या बनेगी स्टेम, सुनना ध्यान से। This is cladode. This is what this is cladode in rascus. Cladode क्या leaf like है? किस तरह? Cladode है क्या stem? Stem modify होगी into leaf like structure. ये लग तो रहा है leaf पर है क्या stem? समझा रही कि नहीं आ रही? Cladode stem है, कैसे पता लगा stem में? Axil में है। किसमें है ये? मैंने आपको बताया। बेटा कोई भी structure, axillary structure is always a stem. याद रखना। मैंने कहा था मैं हाथी भी बना दूं, बार बार रिपीट करता हूं उसको, तो आपने क्या बोलना है स्टेम बोलना है। ये स्टेम है, लीफ लग रहा है ना, लगने दो, पर है क्या स्टेम, स्टेम लीफ लाइक होगी। समझा दिए कि नहीं? अरे कुछ लगे आपको, उसको क्या बोलना है स्टेम। एक्सिलरी स्ट्रक्चर इज ऑलवेज अ स्टेम। समझा दिया बेटा, रस्कस के में जो क्लैडोड है बेटा ये स्टेम की मॉडिफिकेशन। पता लग रहा नहीं पता लग रहा बेटा, तो देखो क्लियर कट एग्जांपल है। इस कई बार क्या होता है इसके ऊपर फ्लावर लग जाते हैं, क्या लग जाते हैं इसके ऊपर फ्लावर लग जाते हैं। तो फ्लावर कहां पे लगते हैं, लीफ पे लगता है फ्लावर, फ्लावर कहां लगता है स्टेम पे। इट मींस दिस स्ट्रक्चर इज अ स्टेम, ये बता रहा है मैं स्टेम हूं। एनाटॉमी विल रिमेन द सेम, एनाटॉमी स्टेम की है। पता लग रहा नहीं पता लग रहा, समझा रही है नहीं आ रही, क्लैडोड पता लग गया बेटा नहीं पता लगा, इजी है। चलो लास्ट अडेप्टेशन है बेटा थैलेमस, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। थैलेमस इज ऑल्सो अ स्टेम, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया, फर्स्ट लेक्चर देखना। मॉर्फोलॉजी जब स्टार्ट की बेटा, फर्स्ट लेक्चर था ना जनरल, उसमें मैंने फ्लावर बताया थैलेमस क्या होता है। देख फ्लावर बनाना है कि नहीं, दिस इज व्हाट दिस इज थैलेमस। इसको और क्या बोलते हैं टोरस, क्या बोल देते हैं टोरस। थर्मस स्टेम है, याद आ रहा है, फ्लावर क्या है, यस याद आ गया, फ्लावर क्या हो गया, फ्लावर क्या है शूट, थर्मस इज स्टेम। Thalamus is also a stem modification, condensed stem. क्या ये condensed stem है? Here nodes and internodes are not imperceptible. Nodes and internodes are not distinguishable. समझा रही, इसमें nodes and internodes का नहीं पता चलता। Stem condensed होगी, क्या बन गया thalamus। समझा रही कि नहीं, reduce होगी thalamus बन गया। पता लगा नहीं, पढ़ लोगे बेटा, easy हो गया। मैंने आपको बताई थी anthophore, याद है anthophore, androphore, gynophore, पर पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तो वही है, ठीक है। तो ये होगा बेटा स्टेम, मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। अब इसको अच्छी तरह से तैयार करना,
ठीक है कि नहीं। कल मैं आपको असाइनमेंट दूंगा एक स्टेम की, बेटा मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा, वो अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक होगा कि नहीं। मॉर्निंग में बेटा असाइनमेंट भेजूंगा, शाम को उसके आंसर भेजूंगा, ठीक है। तो डाउट्स है कोई तो पूछ लेना फोन पे, ठीक है कि नहीं। ये हो गया, मैं कोशिश करूंगा हम डाउट्स ना जूम ऐप पे लेने, ठीक है, कोशिश करते हैं। वैसे अगर डाउट ज्यादा होते नहीं बायो में इतना, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है नहीं। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हो तो डाउट कम ही होते हैं, तो वो आप फोन पे पूछ सकते हो, ठीक है कि नहीं। इसी को इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से। आज बेटा क्या करना है, आपको स्टेम का पोर्शन कंप्लीट हो गया फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग, आपके पास स्टेम के नोट्स भी है बेटा, अच्छी तरह से सारा पढ़ लेना, ठीक होगा कि नहीं। आज ही पढ़ना अच्छी तरह से, तो कल मैं आपको क्या दूंगा इसकी असाइनमेंट दूंगा, ठीक है कि नहीं। तो शाम को आंसर भेज दूंगा, अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है बेटा जी, ओके दादा, अच्छी तरह से करना, ठीक होगा। थैंक यू।